गाली तो गज्जुमल कॉलेज के बाहर से शुरू होनी थी ना। पता था तो लेट का है ना भैया, सेम साहब की बेटी है। मालूम है बेट। एक बात और, ये रैली तुम्हारे पापा के लिए, तुम्हारा बेट नहीं करेंगे। अरे आइए। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा, कुछ भाषण वासन लिख के लाई हैं तो शुरू हो जाइए, वरना नारे लगा लगा के हमी को सीएम बना देंगे लोग। तुम आज ये फिर फाइल दिखा के बिहार के बारे में बात कर रही थी। तुलना उसी से की जाती है जो कमजोर हो, तभी तो हम बेटर दिखेंगे। तो बिहार में क्राइम रेट यूपी से ज्यादा है, तो तुलना उससे कर दी है। सफेद साड़ी सूट नहीं करती है तुमको, उतार दो। खाना खा लिया? खा लीजिए, टायर्ड लग रही है। एक उपाय है हमारे पास, थकान दूर कर दे। तुम भाषण तो ठीक ठाक देती हो, चुनाव का नहीं लड़ती। हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पापा के कहने पे रैली कर रहे हैं। इस साले पापा लोग ना लाइफ बहुत कंट्रोल करते हैं बहन। तुम्हें कितना, 1.5 साल हुआ ना विधवा हुए? नहीं, हम ऐसे ही सोच रहे थे कि फिर सेक्स वेक्स का क्या करती हो तुम? 1.5 साल से तो करा नहीं होगा, और कैसे मैनेज कैसे करती हो? बहुत अच्छी बात नहीं है, हमसे आज तक कोई ऐसे बात नहीं की। सब लड़कों की हमेशा हमसे बातें हैं। चूतियां होंगे वो लौंडे जिनकी तुमसे फटती रही। तुम्हारी कभी किसी लड़की से नहीं फटी? एक थी जिससे फटती थी, लव था वो हमारा। जो भी है आ जाओ ना बे।